कुमारी समाज के लोग इस समय सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ब्रह्मकुमारी समाज की रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और क्योंकि वो ब्रह्मकुमारी समाज को फॉलो करते थे, उनकी रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, कई बार उन्हें उनके स्टेज पर देखा गया था। और जब सिद्धार्थ शुक्ला की खबर मिली थी तो कल दोपहर से शाम के बीच ही ब्रह्मकुमारी समाज के लोग आ गए थे और उन्होंने अपनी जो अपना कार्यक्रम है वो बता दिया था कि वो पार्थिव शरीर के साथ एक पूजा का आयोजन करेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। ब्रह्मकुमारी समाज के लोग इस समय सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ब्रह्मकुमारी समाज की रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और क्योंकि वो ब्रह्मकुमारी समाज को फॉलो करते थे, उनकी रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, कई बार उन्हें उनके स्टेज पर देखा गया था। और जब सिद्धार्थ शुक्ला की खबर मिली थी तो कल दोपहर से शाम के बीच ही ब्रह्मकुमारी समाज के लोग आ गए थे और उन्होंने अपनी जो अपना कार्यक्रम है वो बता दिया था कि वो पार्थिव शरीर के साथ एक पूजा का आयोजन करेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। ब्रह्मकुमारी समाज के लोग इस समय सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ब्रह्मकुमारी समाज की रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और क्योंकि वो ब्रह्मकुमारी समाज को फॉलो करते थे, उनकी रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, कई बार उन्हें उनके स्टेज पर देखा गया था। और जब सिद्धार्थ शुक्ला की खबर मिली थी तो कल दोपहर से शाम के बीच ही ब्रह्मकुमारी समाज के लोग आ गए थे और उन्होंने अपनी जो अपना कार्यक्रम है वो बता दिया था कि वो पार्थिव शरीर के साथ एक पूजा का आयोजन करेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा।